17 में एज ए सिटिंग डीजी हमने भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा कि हम टेक्नोलॉजी के उस मुकाम पे पहुंचे हैं कि हम 5 सर्टेनिटी के साथ भ्रष्टाचार मुक्त अपराध मुक्त भारत बना सकते हैं। ये प्रस्ताव सिटिंग डीजी मैथिली शरण गुप्त ने भारत सरकार को भेजा। अच्छा, प्रपोजल था आपका। भारत सरकार ने उस पर 2 साल तक परीक्षण किया। 2019 में इसे नेशनल पुलिस मिशन बना दिया और 2019 से आज तक जो है ये नेशनल पुलिस मिशन है और मैथिली शरण गुप्त ही इसके नोडल ऑफिसर हैं। स्टिल टुडे यस, इवन टुडे। तो वेरी गुड। अभी अपराध मुक्त भारत के दो वो हैं, रूप हैं। एक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेशनल पुलिस मिशन फॉर क्राइम फ्री भारत, जिसके मैथिली शरण गुप्त नोडल ऑफिसर हैं, और दूसरा जो है ना क्राइम फ्री भारत मिशन, एक एनजीओ है जिसका जिसका जो है ना कोर जो है ध्येय है क्राइम फ्री एंड भ्रष्टाचार मुक्त भारत, और उस संस्था का नाम है अपराध मुक्तिकरण, श्रेष्ठ आत्मनिर्भर अपराध मुक्तिकरण संस्था। उस इस अपराध मुक्तिकरण संस्था या क्राइम फ्री भारत मिशन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो आपकी जो अभिधारणा है वो भारत सरकार द्वारा नोशनली तो मान्य की गई, तभी तो जो है ना वो नेशनल हाँ पुलिस मिशन बना। नंबर वन, हाँ हाँ नंबर हमने तीस अगर हम किसी से बात करते हैं तो ये कहा जा सकता है कि इट इज एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज नॉट एक्सेप्टेड, इट इज स्टिल ए नेशनल पुलिस मिशन। उसको डिजोल्व नहीं किया गया और आई हैव नॉट बीन रिमूव्ड, सो आई एम स्टिल द नोडल ऑफिसर जब तो अभी तक। अभी आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जुड़े हैं। मैं जुड़ा हुआ भी हूँ, मीटिंग लेने में भी जाता हूँ। मैंने 30 सितंबर 2020 को एक कानून का ड्राफ्ट भेजा अच्छा। जिसमें एक फंडामेंटल राइट भी हमने उसमें प्रपोज किया, फंडामेंटल राइट टू प्रिवेसी। इसमें 5 सर्टेनिटी के साथ हमने कहा कैसे अपराध मुक्त भारत पैदा होगा। इसके लिए हमें एक नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम अंडर एंट्री 65C शेड्यूल 7 लिस्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मुझे जानबूझ के अच्छा, इतना लंबा नाम रख, प्राइवेसी तो लीकेज पूरी हो चुकी है ऐसा हमें लगता है। वो तो छोड़ दीजिए, जो हमारे सिस्टम में चित्रगुप्त हम डेवलप कर रहे हैं जिसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, हमारे से जुड़े लोग प्राइवेसी को लीक नहीं करेंगे, नहीं तो एक प्राइवेसी को लीक करेंगे 7 साल की सजा है। तो यदि मैथिली शरण गुप्त इसके चेयरमैन है अथॉरिटी के और मैथिली शरण गुप्त ने यदि एक इन्फॉर्मेशन लीक कर दी तो मैथिली शरण गुप्त 7 साल के लिए जेल में पैक हो जाएंगे, राइट राइट राइट। और यदि 5 इन्फॉर्मेशन बैक कर दी तो 35 साल के, 7 गुना 35 राइट, और यदि 10 कर दी तो 70 साल के लिए। तो सतीश जी मेरा कहना ये है कि बहुत पक्की धारणाएं हैं, अपोज करने का कोई उचित आधार नहीं है, स्पेशली जब जबकि हमारे जेब से 5 पैसे नहीं लग रहे, नहीं जाना है। ना हमें कोई जुलूस निकालना है, ना हमें कोई धरना देना है, ना किसी पुतला दहन करना है, ना कलेक्टर एसपी को ज्ञापन देना है, ना मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को ज्ञापन देना है, ना कोर्ट में PIL लगाना है, ना जंतर मंतर पे बैठना है। कोई भी पुलिस या प्रशासन आपके ऊपर जो है ना झूठे मुकदमे कायम कायम करके लठ नहीं भांज सकता है, भांज सकता है क्या इसमें? नहीं मार सकता। तो बताइए फिर ऑनलाइन अजमान है। प्रोसेस है, फुल्ली ट्रांसपेरेंट है। और आपको मालूम है यदि आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे तो हर दिन ये ऐप जो है कमेंडेशन सर्टिफिकेट जारी करता है, 3 लोगों के नाम घोषण करता है हर दिन कि ये 1, 2, 3 है राइट। फिर जो है यदि आप वीक में देखना चाहते हैं तो 1, 2, 3 ऑफ द वीक, फिर 1, 2, 3 ऑफ द मंथ और 1, 2, 3 ऑफ द टुडे ऑफ द ईयर और अप टू, अच्छा, मतलब अप टू नाउ। तो यदि 3 साल हो गए तो 3 साल में अभी 1, 2, 3 पे कौन चल रहा है। केवल जो है वो उनको हटा देता है जिनको हम कुछ पद दे देते हैं, तो पदधारियों के नाम निकल जाते हैं उसमें से, क्योंकि पदधारियों ने तो लोगों ने 500 500 हजार हजार लोगों को भी जोड़ा हुआ है। अच्छा। हाँ, जैसे मैंने ही 1600 लोगों को जोड़ा हुआ है, आज आज मेरी टैली है 1601। विद तो मी 1601 लोग मेरे द्वारा सीधे जोड़े गए। नहीं, जैसे आज हम जुड़े हैं शायद। यदि आप आज आपने जोड़ अभी ऐप डाउनलोड कर लिया है क्या आपने? अभी नहीं किया, अभी अभी नहीं एक किया। अभी नहीं किया तो अभी आप नहीं जुड़े हैं, जब आप हमारी लिंक से जुड़ जाएंगे तो आप 1602 में हो जाएंगे, 1602 हो जाएंगे आप, राइट राइट क्योंकि वो नंबर आपको तब मिलेगा ना
जब आप जो है ना जुड़ेंगे और उसके उसमें आएगा विथ रेफरेंस फ्रॉम मैथिली शरण गुप्त, तो जिसके रेफरेंस से जुड़ेंगे उसे 100 नंबर मिलते हैं। और उसी की मेरिट लिस्ट के आधार पर जो है आप फिर जो है सांसद बनेंगे, मंत्री बनेंगे और सब पद उसी के आधार पर मिलेंगे। आपने ट्रांसपेरेंट बना रखा है मॉडल, पूरा ट्रांसपेरेंट है और सब कुछ आपके हाथ में है। आपको देखिए इसमें मैथिली शरण गुप्त को मस्का लगाने की जरूरत है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। यदि आप कुछ बातों पर मैथिली शरण गुप्त से सहमत भी नहीं है तो भी आप हिस्सा बन सकते हैं कि ठीक है हम मैथिली शरण गुप्त का चेहरा पसंद नहीं करते हैं, वो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन जो वो बात कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, हमारे बच्चों को अच्छा भारत मिल जाएगा, लिहाजा हम लोगों को जोड़ेंगे। तो बताइए आपको मैथिली शरण गुप्त को मस्का लगाने की जरूरत है क्या? बिल्कुल जरूरत नहीं है। जी जी तो चलिए सतीश कुमार जी, लंबी वार्ता हुई है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये हमारी लगभग 41 मिनट की बात हो गई है। यस यस यस। और ये रिकॉर्डेड भी है और कल अपलोड भी हो जाएगी। ये क्राइम फ्री भारत एक यूट्यूब चैनल है। अच्छा अच्छा। तो जो आपको पहला जो है ना जो वीडियो जाता है वो यूट्यूब चैनल पे अपलोड होता है, तो जो आपको लिंक मिली है उसको यदि आप क्लिक करेंगे तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे। राइट। अभी 6,700 लोगों ने ही सब्सक्राइब किया है, मुझे लगता है कि ये करोड़ों में पहुंचना चाहिए, क्योंकि जब 100 करोड़ का टारगेट है तो इसमें भी कम से कम 50 करोड़ तो होना ही चाहिए। लेकिन अगर आप बनारस पहुंच गए होते तो हमें लगता है ये संख्या बहुत तेजी से बढ़ती। आप लेकिन आपके पास तरीका यही है ना कि आप लोगों को भेज रहे हैं। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। देखिए जैसे आपने मिस कॉल दिया मुझे, यदि आपने मुझे मिस कॉल नहीं दिया होता तो शायद हम आप तक आपसे बात नहीं कर पाते। नंबर वन, तो लोग आप मिस कॉल मिलने के लिए बहुत दिन से सोच रहे हैं कि आपसे मुलाकात हो सके, क्योंकि हमारा आपका लगभग बैच 1-2 साल आगे पीछे रहा होगा। जी। आपका नेटिव कहाँ है? मैं झांसी का ही रहने वाला हूँ। झांसी में? झांसी में एक गांव है इसके वहां का रहने। हाँ। वहाँ हमारी स्किल और एरच। हाँ। तो हमारी दीदी थी एरच में। हाँ। डॉक्टर बीडी गुप्ता उनके हस्बैंड थे, तो उस जमाने से हम आपका नाम सुनते रहे हैं, मतलब 1977-78 से। आपका 12th किस ईयर में हुआ है? मैंने गांव से 8th किया है। हाँ। और फिर हमने जो है 11th बुरहानपुर से किया था। अच्छा। 9th इंदौर से किया है। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर इसके बाद हम जो है चूंकि केमिकल इंजीनियरिंग में जाना चाहते थे तो हम रायपुर चले गए। अच्छा। तो रायपुर से हमने इंजीनियरिंग किया, लेकिन किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है। फिर इसके बाद एमटेक आईआईटी दिल्ली से किया। अच्छा अच्छा। इसके बाद आईपीएस में आ गए। हाँ। वैसे ही मैंने 13 डिग्रियां की हुई है। आई एम एमबीए इन 3 डिसिप्लिन। अच्छा। हाँ, आई एम जो है ना एलएलबी आल्सो। वेरी गुड। मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये टेरी यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की ज्वाइंट डिग्री है। ये भी हमने की हुई है। बहुत अच्छा। मास्टर्स पीजी डिप्लोमा इन ह्यूमन राइट्स है 2 साल का, ये भी किया हुआ है। पीजी डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमेंट किया हुआ है। अच्छा। तो ऐसी 13 डिग्रियां की हुई है ड्यूरिंग सर्विस। दो डिग्रियां पहले से करके आए थे। स्टडी लीव लेके की है कोई डिग्री? नहीं 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 नहीं, सब सरकारी सेवा में रहते हुए की हुई है। इवन जो ट्विन डिग्री जो यूनिवर्सिटी ऑफ टेरीज और टेक्सास की थी, ये भारत सरकार के द्वारा कराई गई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब इट वॉज एट गवर्नमेंट कॉस्ट बाय द गवर्नमेंट। तो उसमें उन्होंने अमेरिका भी भेजा था हमें। अच्छा अच्छा। तो इसके लिए इरस से जो है हम बचपन से जुड़े हैं। जी। तो आपका नाम सुनते रहते थे। जी। हमने हमारा भांजा है झांसी में, तो उसको हमने भेजा, तो बोला कि जो है मैथिली शरण गुप्त जी स्किल के हैं। हमने की हाँ। तो उसने हमें मैसेज दिया, हमने कि हमें मालूम है, पहले से मालूम है। जी। वो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आई विल ट्राई माय बेस्ट कि हम अधिक से अधिक आपकी। मेरे ख्याल से यदि हम एक लिस्ट बनाते हैं कि व्हाट ऑल वी शुड डू, क्योंकि आपने एक बहुत अच्छा लोडेड क्वेश्चन किया है कि इतना सब कुछ अच्छा होने के बाद हम वहाँ कहाँ कहाँ खड़े हुए हैं और क्यों खड़े हुए हैं, क्या हमें अपनी स्ट्रेटेजी में कुछ रिफाइनमेंट करना चाहिए।
नहीं, रिफाइनमेंट की तो जो है स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे रिफाइनमेंट की जरूरत होगी, वो करना ही पड़ेगा, तो जो तभी तो रिफाइनमेंट रिफाइनमेंट, अल्टीमेट रिफाइनमेंट तो तभी होता है जब बहुत लोगों के जो है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में उन लोगों के जो जो है विचार लगते हैं उसमें रिफाइनमेंट आप समझेंगे कि हाँ जरूरी है, और फिर रिफाइनमेंट होता है तो जो है अल्टीमेट गोल पे पहुंचने की दिशा में हम चलते हैं। चलिए, तो सतीश कुमार जी, बहुत अच्छी चर्चा हुई है, बहुत और अच्छा एक बार लगा। फिर से आप पब्लिक को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि ये कल तक क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो जाएगा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो आप एक बार पब्लिक को एक बार फिर से नए शब्दों में कुछ कहना चाहते हैं तो कह दीजिए। नहीं, हमारा कहना तो यही है कि जो आपने परिकल्पना की है वो थ्योरेटिकली बहुत स्ट्रांग है, और इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसको एग्जामिन करके एक्सेप्ट नहीं तो कम से कम रिजेक्ट तो नहीं किया है, तो डेफिनेटली हमें इस दिशा में बढ़ने का पूरी शक्ति से प्रयास करना चाहिए, और जो भी हमारे इर्द गिर्द हमारे फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं उनको इससे जोड़ना चाहिए। बहुत सुंदर, मैं सतीश कुमार गुप्ता जी की पूरी बात से सहमत हूँ। आप सब लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप जो है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करके जुड़ें, क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्राइम फ्री भारत के वेब पोर्टल पर जाकर विभिन्न दस्तावेजों को देखें, और क्राइम फ्री भारत के जो मेन ग्रुप है टेलीग्राम में, यदि टेलीग्राम का उपयोग नहीं करते हैं तो भी टेलीग्राम को डाउनलोड करके, हमारे पास उसमें जो है टेलीग्राम की लिंक भी होती है तो उसको क्लिक करके जो है ना टेलीग्राम ऐप से भी जुड़ें। और सतीश कुमार जी, आपसे हमारी वार्तालाप भविष्य में होती रहेगी, जब भी आपकी इच्छा हो आप फोन करके आ जाइएगा। थैंक यू वेरी, थैंक यू। जी नमस्कार, जय हम हिंद, अभी जय आपसे भारत। स्टार्ट करते हैं। ओके जरूर जरूर।